मुफ्ती रशीद अहमद खुर्शीद ऑफिशियल। मोहम्मद यहाँ बंगलोर से सवाल करते हैं, मुफ्ती साहब इजमा और कयास में क्या फ़र्क है? देखें, इजमा और कयास ये दो अलग अलग उसूल हैं शरीयत के। शरीयत में, इस्लाम में चार बुनियादी उसूल हैं, कुरान, हदीस, इजमा और कयास। इजमा का मतलब तो ये होता है कि सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन या आइम्मा मुज्तहिदीन किसी मसले में, मसलन दो रुख हैं कि ये जायज़ भी हो सकता है, नाजायज़ भी हो सकता है, हलाल भी हो सकता है, हराम भी हो सकता है, बाज़ रिवायात से पता चलता है कि जायज़ है, बाज़ से पता चलता है कि नाजायज़ है। ऐसी सूरत में अगर फुकहा, मुज्तहिदीन, सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन की जमात किसी बात पर मुत्तफिक हो जाती है कि भाई ये जायज़ है, सब मुत्तफिका तौर पर कह देते हैं या सब मुत्तफिका तौर पर कह देते हैं ये नाजायज़ है, तो ये जो कंसेंसस है उनका, उनका इत्तेफाक राय है किसी भी मौजू पर, किसी भी मसले पर जायज़ नाजायज़ होने से मुतालिक, इसको इजमा कहा जाता है। जिसको आप आसान अल्फाज में इत्तेफाक कह सकते हैं, उसको आप कंसेंसस कह सकते हैं, उनका इसको आप ये कह सकते हैं कि सारे सहाबा, सारे मुज्तहिदीन किसी एक बात पर मुत्तफिक हो जाएं। जबकि कयास का मतलब ये होता है कि एक नया मसला आपके सामने आता है तो जिसको कहा जाता है एक मंसूस अमर है, एक नस है, अब उसमें कोई ऐसी इल्लत तलाश की जाती है कि जिसके बारे में ये तय किया जाता है कि ये हुक्म इस इल्लत की वजह से है, और फिर ये इल्लत अगर किसी दूसरे मसले में पाई जाए तो इसके हुक्म को वहाँ पर भी मुतादी कर दिया जाता है, यानी इसका ये हुक्म वहाँ भी साबित कर दिया जाता है। मिसाल के तौर पर हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़माने में घोड़ों की सवारी थी, दूसरे जानवरों की सवारी होती थी, आजकल लोग गाड़ी में सवारी करते हैं। अब अगर अहादीस का मुताला किया जाए तो पता चलता है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने हर किस्म की सवारी पर आपने सवारी फरमाई है। अब अगर कोई पूछता है भाई गाड़ी में सवारी करना जायज़ है या जायज़ नहीं है, तो अब देखा जाएगा कि हुजूर के ज़माने में कौन कौन सी सवारियाँ दस्तियाब थी और क्या आपने किसी भी सवारी पर किसी वजह से सवारी करने से मना किया कि भाई इस पर सवारी नहीं करो, तो हमें पता चलता है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो अब जब गाड़ी सामने आई तो हम ये कहेंगे कि भाई वहाँ जो ज़रूरत थी, वहाँ जो हाजत थी कि इंसान को सफ़र के लिए कोई चीज़, कोई सवारी दरकार होती है, तो उसके लिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने हर दस्तयाब सवारी को इस्तेमाल किया, लिहाजा ये अगर एक अच्छी सवारी दस्तयाब किसी को होती है और वो इस पर सवारी करना चाहता है तो कर सकता है। तो अब उस मंसूस चीज़ के इल्लत को गैर मंसूस मसले की तरफ मुतादी करना, इस प्रैक्टिस को, इस अमल को कयास कहा जाता है। और ज़ाहिर है ये हर आदमी का काम नहीं, ये मुज्तहिदीन का, फुकहा का और जो सही मंझे हुए मुफ्तियाने किराम होते हैं उन्हीं का काम है ये।